गुमशुदा वृद्धा का तालाब में तैरता हुआ मिला शव। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वृद्धा का शव तालाब के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने शव को तालाब में तैरते हुए देखा तो तत्काल मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से निकालते हुए उसकी शिनाख्त करने के बाद मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने शव को देखकर उसकी शिनाख्त की। उसके बाद से परिजनों में मातम का माहौल छा गया। वहीं पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है। जाकर रहने वाले 70 वर्षीय वृद्ध कल सुबह अचानक घर से निकल गए थे, जिसको लेकर वृद्ध के परिजनों के द्वारा उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। काफी तलाश के बाद जब रात को कुछ पता नहीं चला तो परिजनों के द्वारा संबंधित थाने में जाकर वृद्ध की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा लगातार वृद्ध की छानबीन की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आज सुबह 6 o'clock बजे कस्बे के स्थानीय लोगों ने तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा। इस पर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला और शिनाख्त के लिए गुमशुदगी दर्ज कराने वाले परिजनों को सूचना दी। जैसे ही गुमशुदगी दर्ज कराने वाले परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उस वृद्ध की शिनाख्त करते हुए अपना परिजन बताया। उसके बाद से पूरी परिवार में मातम छा गया। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्राधिकारी बबेरू ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा एक शव को तालाब में तैरते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी थी। हम लोगों ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और जिस तरह से शव को देखने पर लग रहा है कि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी चोट का निशान नहीं है, उससे कहीं ना कहीं यह साबित हो रहा है कि वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत हुई है। फिलहाल यह जाँच का विषय है। जाँच के बाद ही आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। मिली है, क्या मामला है साहब? ये उमेश कुमार पुत्र छंगू सिंह, उम्र इनकी लगभग 70 साल है, और ये कल शाम को इनके परिजनों ने गुमशुदगी थाने में लिखाई थी। आज सुबह तालाब में इनकी बाड़ी होने की हम लोगों को सूचना मिली थी। हम लोगों ने तत्काल निकलवा लिया इनके सबको बाहर। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। कहीं इनके शरीर पर कोई जहरा चोट नहीं है। पंचायतनामा भरवाकर सबको पीएम हित भेजा जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्या घटना हुई है? सर कल सवेरे 4 बजे निकला है, हम सोते रहे और हम दिन भर ढूंढते रहे, और जब दिन भर ढूंढने के पश्चात नहीं मिले तो हम कोतवाली में गुमशुदगी लगभग 10 बजे दर्ज कराए। तालाब के पास आ जाइए। तो शिनाख्त आपने कर लिया, अब सबका क्या करवा रहे हैं? पीएम पोस्टमार्टम के लिए। क्या लगता है आपको, जैसे इस तरह की डेड बॉडी पड़ी थी आपने देखा है, क्या लगता है? समझ नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा था? जनी का जाना।